क्लास 12 एक्सरसाइज 5D क्वेश्चन नंबर 16 यज्ञ के सापेक्ष अवकलन हमको करना है इसका। तो उससे पहले हम इसको हल कर लिया जाए। यज्ञ इक्वल टू टैन थीटा कर दिया जाए, टैन थीटा और टैन थीटा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा टैन इनवर्स यक्स। हल भी कर लेंगे तो यज्ञ बैठना है तो हमारा हो जाएगा काट इनवर्स अंडर वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस वन बटे टैन थीटा। ये है इतना कॉट इनवर्स वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा फिर प्लस वन बटे टैन थीटा अंडर रूट से बाहर कर दिया जाए। कॉट इनवर्स अंडर रूट से बाहर आ जाएगा सेक थीटा आ जाएगा प्लस वन बटे टैन थीटा। हम लोग इसके साथ क्या दिए कॉट इनवर्स ये हो जाएगा एक बटे कॉस थीटा प्लस वन बटे टैन थीटा। अब ये देखें कॉट इनवर्स इसका लघुत्तम लेंगे तो वन प्लस कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा और इसको करेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कर गया बचा क्या कॉट इनवर्स ब्रैकेट में वन प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब इसके आगे भी कर सकते हैं हम लोग कॉट इनवर्स वन प्लस इसको टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू माइनस वन पूरे बटे टू साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू टू साइन था ना फिर हाँ वन से वन खत्म हो गया। ये बचा कॉट इनवर्स टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू बटे टू साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू हाँ कॉस थीटा बाय टू से स्क्वायर खत्म हो जाएगा दो से दो खत्म हो गया। ये बचा कॉट इनवर्स कॉस थीटा बाय टू बटे साइन थीटा बाय टू बराबर कॉट थीटा बाय टू। हम इसको लिख सकते हैं कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर थीटा होता है तो थीटा बाय टू यहाँ देगा। इसको आगे लिख देंगे हम यहाँ लिख दें हाँ ये कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा थीटा बाय टू एक बटे दो थीटा की वैल्यू है टैन इनवर्स है यक्स के सापेक्ष अवकलन कर दिया जाए। सापेक्ष अवकलन करने पर तो एक बट दो डी डी यक्स ऑफ टैन इनवर्स यक्स ये हो जाएगा एक बटे दो पूरे डी डी यक्स ऑफ टैन इनवर्स एक्स की वैल्यू होती है वन प्लस वन बाई वन प्लस एक्स पूरा उसको लिख देंगे वन बटे दो वन प्लस यह स्क्वायर ये हो गया हमारा आंसर ठीक हो गया आंसर।